हाय मम्स एंड डैड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है निकिता और आज की वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स और मैं आपको दिखाऊंगी कुछ यूज़फुल ट्रिक्स जो अगर आप एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो मैं आपको दो गारंटीज तो डेफिनेटली दे सकती हूँ। नंबर वन, कि कभी भी आपके बेबी को डायपर लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और नंबर टू, अगर आपके बेबी को डायपर रैशेस की प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी इन टिप्स एंड ट्रिक्स से दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो टिप्स। और सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं अपने बेबी का डायपर कैसे बांधती हूँ, और उसी बीच में आपको वो सारी ट्रिक्स पे दिखाती जाऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए और यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको मेरे आगे आने वाले सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने अपने हाथ अच्छे से वॉश कर लिए हैं और डायपर चेंज करने का सारा सामान यहाँ पे ले लिया है। ये है मेरा डायपर, ये है मेरी डायपर रश क्रीम और ये है वेट वाइप्स। तो मैं यूज़ करती हूँ पैम्पर्स का एक्टिव बेबी टेप स्टाइल डायपर। तो सबसे पहले हम इसे ओपन करेंगे। ये मैंने एक साइड से ओपन कर लिया है और अब मैं इसे दूसरी साइड से भी ओपन करूँगी। यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो फ्रिल एरिया है बीच का, इसे आपको अच्छे से ओपन करना है। ये देखिए इसकी चौड़ाई कितनी है। अगर आप इसे अच्छे से ओपन नहीं करेंगे तो आपके बेबी का डायपर लीक कर सकता है। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो डायपर मैंने ओपन किया है, इसे अपने बेबी के बॉटम्स के नीचे अच्छे से लगा दूँगी। एक बात ध्यान रखिए कि हमें ये डायपर बिल्कुल बेबी के बॉटम्स के सेंटर में पोजीशन करना है। मैं अपने बेबी के बॉटम्स को वेट वाइप से क्लीन करने वाली हूँ, इसीलिए मैं पहले से ही वेट वाइप्स निकाल के रख रही हूँ। अगर आप बेबी के बॉटम्स को पानी से क्लीन करने वाले हैं तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो बेबी का गंदा डायपर है, इसे ओपन करूँगी। अब ये जो गंदे डायपर का ऊपर वाला पार्ट है, इसे मैं अपने बेबी के बॉटम्स के नीचे हाफ फोल्ड कर दूंगी, इस तरह से जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब मैं अपने बेबी के बॉटम्स को वेट वाइप से क्लीन करूँगी, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप बेबी गर्ल के बॉटम क्लीन कर रहे हैं तो हमेशा फ्रंट से बैक की तरफ ही क्लीन कीजिएगा, इससे आप उसे के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। अब मैंने अपने बेबी के बॉटम्स को अच्छे से वेट वाइप से क्लीन कर लिया है और अब मैं ये जो गंदा डायपर है, इसे फोल्ड करके साइड में रख दूंगी इस तरह से। अब मैं कम से कम 2 मिनट तक अपने बेबी के बॉटम्स को हवा लगने दूंगी। अगर आप अपने बेबी के बॉटम्स को एयर नहीं लगने देंगे और डायरेक्टली डायपर रैश अप्लाई कर देंगे तो मॉइस्चर अंदर ही रह जाएगा और उसको डायपर रैश होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अब हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं अप्लाई करूँगी डायपर रैश क्रीम। मैंने फिंगर पे डायपर रश क्रीम ले ली है और अब मैं इसे बेबी के बॉटम्स पे अप्लाई करूँगी। अब मैं इस डायपर को थोड़ा सा एडजस्ट करूँगी ताकि ये दोनों साइड से इक्वल रहे। अब मैं अपने बेबी के डायपर का फ्रंट पार्ट ऊपर लेके जाऊँगी इस तरह से, और डायपर को अच्छे से फैला लीजिए इस तरह से। आपको ये जो येलो लाइन दिख रही है, इसको आपको सेंटर में रखना है और इस तरह से हम पूरे डायपर को खोलेंगे और यहाँ ऐसे हाथ रखे पहले हम एक साइड का टेप लगाएंगे और अब मैं लगाऊंगी दूसरी साइड का टेप इस तरह से। ये मैंने दोनों साइड से अच्छे से टेप लगा दिया है। नेक्स्ट स्टेप है इसके फ्रिल्स ओपन करना। फ्रिल्स ओपन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोनों साइड के फ्रिल्स ओपन नहीं करेंगे तो आपके बेबी का डायपर लीक कर जाएगा। ये हमने दोनों साइड के फ्रिल ओपन कर दिए हैं और अब ये जो टेप स्टाइल डायपर के टेप के एजेस होते हैं ना, ये काफ़ी हार्ड होते हैं, काफ़ी सख्त होते हैं, और अगर ये हमारे बेबी की स्किन के साथ टच कर जाते हैं तो हमारे बेबी को इससे चोट भी लग सकती है। और अब मैं इन एजेस को कवर करने वाली हूँ। ये जो आप डायपर का पार्ट देख रहे हैं, मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर दूँगी ताकि जो इनके एजेस हैं वो मेरे बेबी की स्किन को टच ना करें। ये मैं दोनों साइड से करूँगी और अब मैं करूँगी इस डायपर को लॉक। ये मैंने ऊपर वाला पार्ट फोल्ड कर दिया है ताकि ये डायपर एज इट इज़ का एज इट इज़ रहे। अब ये डायपर बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। अब हमें डायपर लीकेज को अवॉइड करने के लिए सिर्फ एक काम और करना है। हमें अपने बेबी के डायपर के वेस्ट के अंदर अपनी पहली फिंगर डालनी है और अगर ये फिंगर कंफर्टेबली अंदर जा रही है तो इसका मतलब हमारे बेबी का डायपर बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने बेबी का डायपर अकॉर्डिंगली टाइट या लूज़ कर सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप करना है कि हमें अपने बेबी का जो गंदा डायपर है उसे डिस्पोज ऑफ करना है। उसके लिए हम इस गंदे नेपी को अच्छी तरह से फोल्ड कर देंगे और ये जो इसके टेप हैं दोनों साइड से हम इसे लॉक कर देंगे टेप की हेल्प से।
ये हमने दोनों तरफ से डायपर को लॉक कर दिया है और अब हम इसे कर देंगे डिस्पोज ऑफ। तो आई होप आपने ये सारी ट्रिक्स देख ली हैं और अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स डायपर लीकेज और डायपर रैशेस की प्रॉब्लम से बचने के लिए। तो पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी दो टिप्स डायपर लीकेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मेरी पहली टिप है कि जब भी आप अपने बच्चे को डायपर पहनाते हैं उसके बाद जो डायपर के फ्रिल्स होते हैं उसे ओपन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप उसे ओपन नहीं करेंगे तो आपके बच्चे का डायपर लीक कर सकता है। और मेरी दूसरी टिप है कि जब भी आप अपने बच्चे का डायपर पहना देते हैं उसके बाद ये जो पहली फिंगर होती है इसको अपने बच्चे के डायपर के वेस्ट के अंदर जरूर डाल के चेक करिएगा कि कहीं आपके बेबी का डायपर टाइट या लूज तो नहीं है, और अगर लूज है तो प्लीज उसे टाइट कर लीजिएगा। और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो टिप्स जिससे आप अपने बच्चे को डायपर रैशेस से बचा सकते हैं। तो मेरी पहली टिप है कि जब भी आप अपने बच्चे के बॉटम्स को क्लीन कर लें उसके बाद 2 मिनट के लिए उसे एयर ड्राई जरूर करिएगा। उससे पहले आप बिल्कुल भी डायपर रैश क्रीम अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि उसी से आप अपने बच्चे को डायपर रैशेस से बचा सकते हैं। और मेरी दूसरी टिप है कि आप 24 घंटे में से कम 3 घंटे अपने बच्चे को डायपर फ्री ज़रूर रखिएगा। उसे बिल्कुल भी इस बीच डायपर मत पहनाइएगा और हो सके तो उसे इस बीच सनलाइट ज़रूर दिखाइएगा, तभी आप अपने बच्चे को डायपर रैशेस से बचा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे को कॉन्टिन्यूसली डायपर रैशेस की प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसे पहले ठीक करिए, उसके बाद ये सारी टिप्स अप्लाई करिए। डायपर रैशेस को ठीक करने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो किया है जिसमें मैंने 3 होम रेमेडीज बताई हैं जिससे आप अपने बच्चे के डायपर रैशेस ठीक कर सकते हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, या फिर मैं ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।